बेटा रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर 8 के पार्ट नंबर 2 की वीडियो में हम चैप्टर 8 के एमसीक्यूज को कंटिन्यू करेंगे। एमसीक्यू नंबर 14 में कह रहा है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स 25 एट 3.4। ये आपसे कह रहे हैं कि इस सर्कल की इक्वेशन पर बनने वाला टेंजेंट है उसकी इक्वेशन फाइंड करें, और वो टेंजेंट बन किस पर रहा है, 3.4 पॉइंट पर बन रहा है। तो बेटा याद रखिएगा, जब भी सर्कल का स्पेशल केस हो, स्पेशल केस से मुराद जिसमें सर्कल का सेंटर ओरिजिन पर होता है, तो टेंजेंट की इक्वेशन निकालने का फॉर्मूला होता है एक्स एक्स वन प्लस वाई वाई वन इज इक्वल टू आर स्क्वायर। बेटा इसमें एक्स वन की जगह 3 पुट करवा दिया, वाई वन की जगह 4 पुट करवा दिया, 3x हो गया, 4y हो गया इक्वल्स 25। ये रिक्वायर्ड सर्कल पर बनने वाले टेंजेंट की इक्वेशन आ गई। ठीक है, फॉर्मूला याद रखना है एक्स एक्स वन प्लस वाई वाई वन इक्वल्स आर स्क्वायर टेंजेंट की इक्वेशन के लिए। बेटा एमसीक्यू नंबर 15 दस में कह रहा है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल यानी इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर टू द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स 36 एट 2.42। बेटा जब भी कभी परपेंडिकुलर या नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी होती है ना, उसके लिए फॉर्मूला होता है एक्स वन वाई माइनस एक्स वाई वन इज इक्वल टू जीरो। सही है, जब भी किसी सर्कल के पर बनने वाले परपेंडिकुलर की इक्वेशन निकालनी हो, जो परपेंडिकुलर किसी पॉइंट से गुजर रहा हो, उसके लिए फॉर्मूला होता है एक्स वन वाई माइनस एक्स वाई वन इज इक्वल टू जीरो। बेटा इसमें एक्स वन की जगह 2 पुट करवा दिया, वाई वन की जगह 4√2 पुट करवा दिया, 4√2 को एक्स से मल्टीप्लाई किया तो 4√2x 2y वैसे ही आ गया। बेटा एक्स वाली टर्म को पॉजिटिव करने के लिए दोनों टर्म्स को उधर शिफ्ट करवा दिया, तो माइनस का 4√2x वहाँ जाके बन गया, प्लस का 4√2x प्लस का 2y वहाँ जाके बन गया माइनस का 2y। तो जब भी किसी सर्कल पर बनने वाले परपेंडिकुलर या नॉर्मल लाइन की इक्वेशन निकालनी हो, तो उसके लिए फॉर्मूला एक्स वन वाई माइनस एक्स वाई वन इक्वल जीरो यूज़ करते हैं। ठीक है, अब आते हैं एमसीक्यू नंबर 16 की तरफ। बेटा एमसीक्यू नंबर 16 है। अच्छा, मैंने इस एमसीक्यू को पूरा सॉल्व नहीं किया बेटा, क्योंकि इसके गिवन ऑप्शन है ना, उसमें से समझा देता हूँ कि आप इसको किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। एमसीक्यू नंबर 16 में कह रहा है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स 100 इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगी इफ स्लोप ऑफ टेंजेंट इज √15। अगर टेंजेंट का जो स्लोप है वो √15 है, अगर टेंजेंट का स्लोप √15 आपको दिया हुआ है, तो बेटा मुझे बताइए कि आप जब भी कभी टेंजेंट की इक्वेशन मालूम करते हैं तो टेंजेंट लाइन की इक्वेशन हमेशा किस फॉर्मेट में होती है, y इक्वल्स mx प्लस c। इसमें जो m होता है ना बेटा, वो उस टेंजेंट का स्लोप होता है। तो बगैर सॉल्व किया ज़रा चेक करो बेटा, इन दोनों चारों इक्वेशंस में से एक का स्लोप √15, एक का माइनस √15, एक का √15, एक का माइनस √15, जबकि हमें स्लोप कितना दिया हुआ बेटा, स्क्वायर √15। तो इसमें से ये वाले दोनों ऑप्शन तो हटाई दो बेटा, ये वाले दोनों ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि इन दोनों ऑप्शन में जो स्लोप है वो माइनस √15 है, यहाँ भी स्लोप माइनस √15 है। अब रहे ऑप्शन ए और ऑप्शन सी। ऑप्शन ए और ऑप्शन सी में से कौन सी इक्वेशन बेटा पॉसिबल हो सकती है जो y इज इक्वल टू mx प्लस c वाले फॉर्मेट में हो। अब आप बताइए, ऑप्शन नंबर ए में y इज इक्वल टू √15x प्लस माइनस कॉन्स्टेंट 40 आ रहा है, और ऑप्शन सी में y इज इक्वल टू √15x प्लस माइनस 40y आ रहा है। तो बेटा y तो दोबारा आ ही नहीं सकता, क्योंकि y तो ऑलरेडी लेफ्ट हैंड साइड पे है, जो आखिरी टर्म होती है वो वेरिएबल वाली नहीं, वो तो कॉन्स्टेंट वाली होती है। तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। अब आप ज़रा गौर से देखें इस ऑप्शन ए को, तो ये ऑप्शन ए ही वो ऑप्शन है वाहिद जो मैच कर रहा है वाई इज़ इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से। तो इस तरह से आप बगैर सॉल्व किए भी इन चारों में से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो कौन सा इक्वेशन होगी जो इस सर्कल पर बनने वाले टेंजेंट की इक्वेशन होगी। बेटा एमसीक्यू नंबर 17 में कह रहा है लेंथ ऑफ टेंजेंट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस 1 इक्वल 0 फ्रॉम 5.2। बेटा एक क्लास में हम सवाल कर चुके हैं पूरा, लेंथ ऑफ टेंजेंट जब भी मालूम करनी होती है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, स्क्वायर रूट के अंदर इक्वेशन ऑफ सर्कल को लिख देते हैं। बेटा लेंथ ऑफ टेंजेंट स्क्वायर रूट सर्कल की इक्वेशन, सर्कल की इक्वेशन पूरी लिख दी जीरो के बगैर, और उसमें जिस पॉइंट से उस टेंजेंट की लेंथ निकालनी है ना, जिस पॉइंट से टेंजेंट बन रहा है जितनी लेंथ निकालनी है उसकी, उसमें एक्स और वाई की वैल्यू को सर्कल की इक्वेशन में उठा के पुट करवा दें। एक्स की जगह 5, वाई की जगह 2, वाई की जगह फिर से 2 आ गया। कैलकुलेटर से सिंप्लीफाई कर लिया बेटा, तो आंसर आ गया लेंथ ऑफ टेंजेंट का स्क्वायर रूट 32। अगर ऑप्शन ये गिवन हो बेटा तो यहीं तक छोड़ दीजिएगा, वरना स्क्वायर रूट 32 निकालेंगे तो मजीद आगे सॉल्व हो जाएगा, तो वो आंसर मेंशन कर दीजिएगा। बेटा पार्ट नंबर 18 में एक प्रॉपर्टी है कॉन्ग्रेंट कॉर्ड्स की, वो याद रखनी है कि कॉन्ग्रेंट कॉर्ड्स जो होती हैं ऑफ अ सर्कल आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सेंटर। जो कॉन्ग्रेंट कॉर्ड्स होती हैं ना, वो हमेशा एक दूसरे से बराबर के फासले पे होती हैं, लेकिन कहाँ से, सर्कल के सेंटर से। तो सर्कल का सेंटर वो पॉइंट होता है जिससे जो कॉन्ग्रेंट कॉर्ड्स होती हैं वो आपस में एक दूसरे से बराबर के डिस्टेंस पर होती हैं, सर्कल से, सर्कल के सेंटर से। ठीक है,
बेटा एमसीक्यू नंबर 19 में कह रहा है एंगल इन अ सेमी सर्कल इज इक्वल टू ऑलवेज राइट एंगल। सेमी सर्कल के अंदर बनने वाला जो बेटा एंगल होता है वो हमेशा राइट एंगल होता है, मतलब 90 डिग्री होता है। ऑप्शन नंबर एमसीक्यू नंबर 20 है, उसमें कह रहा है द पॉइंट 33 इज इनसाइड द सर्कल। बेटा इसमें क्या किया है, हमसे पूछ रहा है कि पॉइंट 33 जो है वो सर्कल के इनसाइड लाई कर रहा है आउटसाइड लाई कर रहा है। तो इसके लिए हमने क्या किया, जो भी सर्कल की इक्वेशन गिवन है उसमें x की जगह 3 पुट करवा दिया, y की जगह भी इत्तेफाक से y की वैल्यू भी 3 गिवन है वो पुट करवा दी। 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 9 18 हो गया। बेटा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर छोटा आ रहा है राइट हैंड साइड से, यानी 18 लेस देन 64 है, तो जो पॉइंट गिवन है वो सर्कल के इनसाइड लाई करेगा। बेटा अगर ये आंसर 64 इज इक्वल टू 64 होता तो यहाँ लिख देते पॉइंट लाइज ऑन द सर्कल, और अगर लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू बड़ी होती लेट से 65 या 68 आ जाती, ठीक है, तो फिर ये जो पॉइंट होता है ये सर्कल के आउटसाइड लाई करता। तो लेस हो तो इनसाइड इज इक्वल टू तो ऑन, और अगर ग्रेटर हो तो आउटसाइड द सर्कल, ठीक है।